हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये है इसका फ्रंट साइड, ये है ब्लाउज़ की बैक साइड, ये है स्लीव्स। काफ़ी हैवी वर्क है इसमें और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है तो ये मैं अनस्टिच कर देती हूँ और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस ब्लाउज़ में ना एक प्रॉब्लम है, इसकी जो लेंथ है वो कम है, तो मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए 15 इंचेस रेडी। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आप, 14 इंचेस है इसकी लेंथ, तो यहाँ पे हमें 2 इंच का जॉइंट लगाना पड़ेगा। पहले मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये फैब्रिक मैंने फोल्ड किया हुआ है। ब्लाउज़ की टोटल रेडी जो लेंथ है वो 15 इंचेस है, तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेके मैंने 16 इंचेस लेंथ ले ली है। चेस्ट है 40 इंचेस, 4 से डिवाइड करके आता है 10, 1 इंच ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे 11 इंचेस विड्थ ले ली है इसकी। शोल्डर्स है 13 इंचेस, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंचेस मार्क कर लूँगी। नीचे की तरफ को आर्म होल रखे जाएंगे, ये भी 6.5 इंचेस मार्क कर लिए। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के इसको आपस में मिला दिया, इस तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इंची टेप ऊपर की तरफ रख के 11 इंचेस पे मैं मार्किंग कर लूँगी लोअर वेस्ट की। ये मार्किंग 11 इंचेस या फिर 11.5 इंचेस पे भी हो सकती है, तो डिफरेंट साइज़ में ये डिफरेंट होती है। बैक आर्म होल की शेप देने के लिए मैं यहाँ पे इस कॉर्नर से 1.5 इंचेस ऊपर की तरफ को मार्क कर लूँगी और यहाँ से दे दूँगी शेप इस तरह से। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा डाउन करना है तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अपर वेस्ट है 38, 38 को 4 से डिवाइड किया आया 9.5 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंचेस मार्क कर लिया। लोअर वेस्ट है 40 इंचेस, 40 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 10 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लिया। लोअर वेस्ट की मार्किंग ज़रूर करनी है, इसके बिना फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। वेस्ट है 36, 36 को 4 से डिवाइड किया आया 9, और यहाँ पे 1 इंच मैंने टक्स लगाने के लिए रख लिया है एक्स्ट्रा, और ये बच गया मार्जिन। मैंने ये मार्जिन 1 इंच रखा है, आप चाहो तो 2 इंच भी रख सकते हो। इन पॉइंट्स को शेप देते हुए मिला दूँगी मैं इस तरह से। अब टक्स की मार्किंग करेंगे, तो सेंटर से 4 इंच नीचे की तरफ को मार्क किया। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ को भी 4 इंच लिया, 1/2 इंच इस साइड को, 1/2 इंच दूसरी साइड को ले लेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे आप 1 इंच दोनों तरफ को 1 1 इंच भी ले सकते हो। नेक की विड्थ रख लूँगी मैं 3 इंच, लेकिन इसकी अभी कटिंग नहीं करनी है, बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे अब हम। अब ये जो साइड की सिलाई है ना, यहाँ पे हमें 1/2 इंच की शेप देनी है इस तरह से, यहाँ से ब्लाउज नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट वाले पार्ट की भी मार्किंग ऐसे ही कर लेंगे। ये रखा हमने नीचे फ्रंट वाला पार्ट, ऊपर रखा बैक वाला पार्ट। अब ये जो मेन पॉइंट्स हैं ना, इनको इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब बैक वाला पार्ट ऊपर से उठा दिया, क्योंकि जो हमारी आर्म होल की शेप देनी है ना हमने, वो थोड़ी अलग देनी है। यहाँ पर शोल्डर का हमने मार्क लगाया था, तो यहाँ से नीचे की तरफ को 6.5 इंचज़ पर ही मार्क कर लेंगे। इन सभी पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन लगा के मिला दिया। अब अंदर की तरफ को 1 इंच बढ़ाएंगे। और ऊपर से हम सेम विड्थ रखेंगे। अब इस कॉर्नर से 1 इंच अंदर की तरफ को मार्क करके इस तरह से शेप दे देंगे आर्म होल की। तो ये फ्रंट आर्म होल की शेप हो गई। बस डिफरेंस इतना ही है कि फ्रंट वाली आर्म होल में हम थोड़ी सी डीप शेप देते हैं, ताकि स्लीव्स में कोई सलवट वगैरह ना पड़े। आगे सारी सेम मार्किंग होगी, जैसे हमने बैक पार्ट में की थी सेम वैसे ही फ्रंट में भी कर लेंगे। ऐसा ही टक्स हम एक दूसरी तरफ बना देंगे, ताकि सेम टक्स बने। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और बैक वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक का फ्रंट वाला पार्ट लिया है, इसके राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है। इसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा है और राइट साइड से राइट साइड को मिला के हमने इस तरह से पिनअप कर लिया इसको।
स्लीव्स कट करने के लिए मैंने डबल फोल्ड करके ये फैब्रिक रखा है। इसकी लेंथ रखी है 11 इंचेस और विड्थ रखी है 10 इंचेस। इस तरफ से 3 इंच मैंने और ले लिया आर्म होल शेप देने के लिए, तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। स्लीव्स बॉटम है 5.5 इंचेस, 1 इंच मार्जिन के लिए रख लिया। अब यहाँ पे 9.5 इंचेस पे मार्किंग कर ली, क्योंकि 6.5 इंचेस हमारा आर्म होल है तो 2.5 इंचेस हमें बढ़ा के रखना होता है। आर्म होल शेप देने के बाद अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये देखिए, सॉरी ये मैंने गलत मिला दिया, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। हाफ इंच की फ्रंट आर्म होल शेप दे दी और इसकी भी कटिंग कर ली। लाइनिंग वाली स्लीव्स तो हमारी कट हो गई है, मेन फैब्रिक की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, मेन फैब्रिक रखा नीचे, ऊपर रखी लाइनिंग। यहाँ पे अब सिलाई लगा लेंगे हम बिल्कुल सिरे पे। तो सिलाई लगाने से पहले पिनअप कर लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा सिलाई लगाना। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब जैसे इसको हम टर्न करेंगे ना, ये देखिए ऐसे करके ये स्लीव्स हमारी रेडी होगी। यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। नेक की विड्थ हमने 3 इंचेस रखी है। अब यहाँ से रखेंगे लेंथ, तो यहाँ पे टेप रख के इस तरह से 7 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। और यहाँ पे एक लगानी स्ट्रेट लाइन। अब इस पॉइंट को इन दोनों साइड में 3 इंच जो हमने रखा है ना दोनों तरफ विड्थ, तो उसके साथ मिला देना है। तो 3 इंच विड्थ आ गई हमारी और ये 7 इंच लेंथ आ गई। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ये जो हमने मार्किंग की है ना इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर नोचेस लगा दिए हैं। अब इसको जब हम टर्न करेंगे ना तो इसकी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ब्लाउज की फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अब बच गया यहाँ पे जॉइंट लगाना। तो यहाँ जो साइड से फैब्रिक निकला है ना उसका जॉइंट लगा लूंगी मैं। बैक पार्ट में मैं राउंड शेप में नेक बना रही हूँ। तो ये देखिए 3 इंचेस विड्थ रख के 7 इंचेस ही इसकी लेंथ रख ली और राउंड शेप देके सेम वैसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने इसकी भी कटिंग कर ली और नॉचेस लगा के इसको भी टर्न कर लूँगी। ये जो साइड से फैब्रिक बचा था ना इसके हम जॉइंट्स लगा लेंगे बैक में भी और फ्रंट में भी। तो ये जॉइंट्स लगाने के बाद अब ये टक्स पे भी सिलाई लगा लूँगी मैं इस तरह से। नीचे से ये इसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी और ऊपर जाते जाते ये सिलाई कम होती जाएगी। टक्स रेडी हो गए हैं। अब शोल्डर्स अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट्स के। स्लीव्स अटैच करने के लिए ये देखिए पहले सेंटर निकालेंगे स्लीव्स का और ये जो शोल्डर वाला सेंटर है ना उसके साथ मिला के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रंट साइड के साथ फ्रंट साइड मिला के इस तरह से रखना है या फिर पिनअप कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जब हम सेंटर से स्लीव्स अटैच करना स्टार्ट करते हैं ना तो एक बराबर आ जाती हैं ये और बहुत ही आसानी से जुड़ जाती हैं। हर बार सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करें। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। तो एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है और दूसरी साइड में ये 5 इंच मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे जिप लगानी है हमें। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है यहाँ पे। अगर इसमें कर्व देंगे तो जो हम जिप लगाएंगे उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी।
तो जो भी फिटिंग वगैरह देनी है वो इन टक्स में देनी है, इस लाइन में कुछ नहीं करना है। 5 इंच छोड़ा हुआ है ना, इस पे मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी। स्टिचिंग करने के बाद ये जो मार्जिन है ना, इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे कि कितनी लेंथ है हमारी जिप की। तो 5 इंच रखी हमने लेंथ, यहाँ पे मार्किंग कर ली। और जिप लेके हमने जो रॉन्ग साइड है ना जिप की, वो रखी ऊपर की तरफ को, और इस तरह से जिप को रख के हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद एंड में जब पहुँचेंगे ना, तो बिल्कुल स्लो करनी है मशीन, और फिर इस तरह से टर्न करके दोबारा से फिर एंड तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी ना, उसको मैं अनस्टिच कर लूँगी। ये देखिए जिप हमारी लग गई। अब जो एक्स्ट्रा जिप है ना, लॉक ऊपर की तरफ को करके, तो ये जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर लेंगे। अब लास्ट में यहाँ पे तुरपाई करनी है, या तो बिल्कुल बारीक सी एक सिलाई लगा के उसके बाद तुरपाई करें, तो फिर वो ज़्यादा इजी रहेगा। इस तरह से पूरे में मैं तुरपाई कर लूँगी। ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें लगाने हैं लटकन, तो ये रेडीमेड डोरी ली है मैंने, इसमें मैं लटकन बना के लगाऊँगी। लटकन बनाने के लिए मैंने 4x4 का पीस लिया है यहाँ पे। इसके अंदर मैं फ़ाइबर भरूँगी, अगर फ़ाइबर नहीं है तो कतरन या फिर कॉटन वगैरह भी आप इसमें फिल कर सकते हो। तो इसकी इस तरह से पोटली बना के इसको थ्रेड से अच्छे से बांध लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब ये देखिए छोटी सी पोटली हमारी रेडी हो गई है। अब इसको करना है कवर अप, तो उसके लिए हमें चाहिए एक लेस। तो लेस आप किसी भी तरह की ले सकते हो। ये लेस मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली। अब इसके साथ मैं इस पोटली को कवर अप करूँगी। ये हैं गोल्डन बीड्स, ये भी हमें चाहिए ये लटकन बनाने के लिए। इस लेस से मैं इस पोटली को इस तरह से कवर करके स्टिच कर लूँगी। अच्छे से स्टिच करने के बाद इसको सेंटर में से बाहर निकालना है। ये जो थ्रेड है ना, ये इसके सेंटर से बाहर की तरफ को निकालना है। और इसमें ये जो मैंने डिफरेंट साइज़ में वीज लिए हैं उनको फिरो लूँगी। एक लेयर मैंने और कट की है यहाँ पे लेस की, तो इसको इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे हम पोटली को। जितने भी टैसल चाहिए इस तरह से रेडी कर लेंगे। उसके बाद उनको अटैच करना है डोरी के साथ। आप एक एक भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या फिर एक वंट बना के भी अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डोरी के साथ अटैच कर लूँगी इनको। मैं एक डोरी में तीन तीन टैसल अटैच कर रही हूँ, 2 गोल्डन एक रेड कलर का। देखिए फ्रेंड्स, टैसल्स भी मैंने लगा लिए हैं, ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेज़रमेंट अच्छे से मार्क की हो ना, तो ये 1 टक्स ब्लाउज़ भी बहुत अच्छी फिटिंग में बन जाते हैं। बिल्कुल रेडीमेड की तरह ये ब्लाउज़ बना है, बहुत अच्छी फिटिंग भी आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।